तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके दोस्तों आप अपने किसी भी स्मार्टफोन का पूरा बायोडाटा निकाल सकते हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन से। और दोस्तों, साथ ही अगर आपके फ़ोन में कोई भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो उसको भी आप अपने स्मार्टफोन से ही दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं जैसे आपको बताऊं दोस्तों, वैसे ही आपको स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक बटन को दबा देना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देख कर इस ट्रिक का यूज कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। तो सिंपल दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देगा यहीं से। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि इंटरनल स्टोरेज है, इसके बारे में बता रहा है कि कितनी टोटल इंटरनल स्टोरेज हमारे स्मार्टफोन की है और कितने परसेंट ये फ्री है, कितने परसेंट हमने इसको यूज़ किया हुआ है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बैटरी वोल्टेज कितना है हमारे स्मार्टफोन का वो भी पता चल रहा है, टेम्परेचर कितना है वो भी पता चल रहा है, और साथ में ये भी पता लग रहा है कि हमारे स्मार्टफोन में टोटल इंस्टॉलेड ऐप कितने हैं। और दोस्तों सेंसर के बारे में भी हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों हम इसको डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि हमारे डिवाइस का नेम क्या है, मॉडल नंबर क्या है, डिवाइस क्या है, और भी दोस्तों जैसे हार्डवेयर, ब्रांड, ये सब दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन डिवाइस के अंदर मिल जाएगी। अब जैसे ही दोस्तों हम सीपीयू के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें हमें प्रोसेसर के बारे में कंफर्म होता है क्या प्रोसेसर है, और दोस्तों इसमें सीपीयू हार्डवेयर के बारे में भी हमें पता चलता है कि क्या हमारे स्मार्टफोन में सीपीयू हार्डवेयर है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों हम बैटरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें दोस्तों सबसे फर्स्ट में दिखाई देगा हेल्थ। अगर दोस्तों आपके स्मार्टफोन की बैटरी में कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ पे गुड की जगह बैड लिखा दिखाई देगा। अब दोस्तों हमारे स्मार्टफोन की बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा वर्क करती है, अच्छा बैटरी बैकअप देती है, तो इसलिए यहाँ पे गुड लिखा दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों आपके स्मार्टफोन में बैड लिखा दिखाई दे तो सिंपल आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है और स्कैन का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ से उसे आप स्कैन कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपके स्मार्टफोन में खराबी होगी बैटरी के अंदर वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको लेवल दिखाई देगा कि कितने परसेंट आपकी बैटरी है, स्टेटस दोस्तों चार्ज में है या नहीं अभी फ़ोन, पावर सेंसर, और दोस्तों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बैटरी के बारे में हमें यहाँ से मिल रही है। तो जैसे ही दोस्तों हम नेटवर्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें हमें आईपी एड्रेस का पता चलता है कि क्या हमारे नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, और भी दोस्तों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है और सब का पता आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हम डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें भी दोस्तों हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताए जा रहे हैं कि ब्राइटनेस लेवल कितना है, ब्राइटनेस मोड कौन सा है, स्क्रीन टाइम आउट क्या है, और दोस्तों मेमोरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें भी दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इसमें बताया जाएगा कि कितनी हमारी टोटल स्टोरेज है, कितनी उसको यूज़ किया है, कितनी अभी फ्री है, तो इस प्रकार की मेमोरी के अंदर भी मिल जाएंगे और आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितने आपके स्मार्टफोन की मेमोरी फ्री है, कितनी आपने यूज़ की हुई है। और दोस्तों इसके बाद जब हम कैमरा के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इसमें बताया जा रहा है बैक कैमरा कितने मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो आप इस ऐप का दोस्तों इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से उसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।